जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शीतलामाई वार्ड के पास पार्षद राममोहन गुप्ता के कार्यालय के सामने मतदान के अंतिम समय में चली थी गोलियां। बम और पत्थर चलने की खबर से मचा था हड़कंप। बताया जाता है कि कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस बीच स्वरमार बम और गोलियां भी चलाई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सड़क पर चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे। घटनास्थल के पास ही AIMIM के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर का आवास भी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर घटनाक्रम के बाद घमापुर थाने में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जा पहुंचे। बंद कर, शटर बंद कर। दो जगह गोलियां चलने की बात सामने आ रही है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी सूचना ये घमापुर की है। यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में झगड़े की सूचना है। अभी पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो बीजेपी के प्रत्याशी अंचल सोनकर जी, गुरु शायद इंजर्ड है या कुछ और भी? देखिए, अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी लॉ एंड ऑर्डर और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, और जैसे आगे साक्ष्य आएंगे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वैसे कार्रवाई की। श्री, विवाद की स्थिति बनी क्यों है, क्या कारण, क्या कुछ पता चला, मुख्य कारण क्या? देखिए, अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है, जस्ट अभी की घटना है, तो आगे इसमें जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।